शांति एक दस 2024 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इस प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। प्रश्न, किस एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो? उत्तर, तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, इस कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। प्रश्न, कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं है? उत्तर, देही अभिमानी बनने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठ समझाते हैं, अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है, पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं ना कि शरीर। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परम पिता को याद करेंगे। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि याद आता रहेगा। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं, फिर 5000 वर्ष बाद यह समझानी मिलेगी। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ मैं हूँ ही आत्मा। तो मेरे को कोई देह याद पड़ती ही नहीं, यह दादा तो शरीरधारी है ना। वह बाप है निराकार, यह प्रजापिता ब्रह्मा तो शाकारी हो गया। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। फिर सिर्फ वह ऊंचते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है, सिर्फ इस समय ही आकर इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो ना सके, देह अभिमानी शाकारी मनुष्य होते हैं, वह तो है ही निराकार। उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ, यह पाठ बैठकर पढ़ो। मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, हर बात की प्रैक्टिस चाहिए चाहिए ना। बाप कोई नई बात नहीं समझाते हैं। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे तब बाप भी पक्का याद रहेगा। देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। शरीर पर नाम तो पड़ता ही है, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है वही प्रॉब्लम वहां पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। श्री कृष्ण भी शरीर का नाम है, शरीर का नाम है ना। नाम बिगर तो कारोबार आदि चल ना सके। ऐसे नहीं कि वहां यह कहेंगे अपने को आत्मा समझो, वहां तो आत्म अभिमानी रहते ही हैं। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती है, क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फुल पाप आत्मा बन पड़े हो। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वह खलास भी हो भी तो होगा ना। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता है। सतयुग में तुम शतो प्रधान हो, त्रेता में शतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है, अपने को आत्मा समझ। बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते हैं, सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती। अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हर एक को याद केवल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। सतयुग में इस शिक्षा की दरकार ही नहीं, ना तुम यह शिक्षा वहां ले जाते हो। वहां ना वह ज्ञान ना योग ले जाते हो। तुमको पतित से पावन अभी ही बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है।
जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। तो इसमें मूझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है। पहले शतो प्रधान थी, फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। मैं आत्मा हूँ यह पक्का ना होने से ही तुम बाप को भूलते हो। पहले पहले मूल बात ही यह है, आत्म अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र भी रहेंगे, देवी गुण भी रहेंगे। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी, भगवान पढ़ाते हैं। देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं, और कोई भी यह हुनर जानता ही नहीं है। एक बाप ही सिखाते हैं, यह दादा भी पुरुषार्थ करते हैं। बाप तो कभी देह लेते ही नहीं, जो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े वह सिर्फ इस ही समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है कि जिनके माथे मामला वह कैसे नींद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वह आते हैं बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नालिश तो बड़ी अच्छी है। गीता में भी यह अक्षर है, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो जाए। तो ये बाप यह समझाते हैं, बाप कोई को दोष नहीं देते हैं, यह तो जानते हो ना। तुमको पावन से पतित बनना ही है, और हमको आकर पतित से पावन बनाना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई के निंदा की बात नहीं। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, और तो कोई भी ईश्वर को जानते ही नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाए जाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं, टीचर रूप में शिक्षा देते हैं। कैसे यह सृष्टि का चक्र फिरता है, कैसे यह सृष्टि का चक्र चलता है, यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। भारत जो शिवालय था सो अब वैश्यालय है ना, इसमें ग्लानी की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते हैं। तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाप आए ही है बच्चों को अपना परिचय देने, और सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना, अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो, यह पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनने की जो बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, देवता तो इस सृष्टि पर आ नहीं सकते, तो टीचर बनकर पढ़ाएं। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाने आते हैं, गायन भी है। परमपिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते हैं। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं। परमपिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना। अहंकार की बात नहीं, ना समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं कि मैं परमात्मा हूँ, यह तो समझ की बात है। यह तो बाप के महावाक्य हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता है। वह भाग्यशाली, यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा है क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन सी, प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है तो एडाप्ट किया ना। बच्चों को शिव बाबा समझाते हैं, मैं एडाप्ट नहीं करता हूँ, तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही, मैं तुमको बनाता नहीं हूँ, मैं तो तुम आत्माओं का अनादि बाप हूँ। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम सारी दुनिया, सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हो सब वापिस जाएंगे इस दुनिया से, ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है। सारी दुनिया का संन्यास कर हम अपने घर चले जाएंगे, इसलिए कोई भी चीज याद ना आए सिवाय एक बाप की। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की, भक्ति मार्ग में तो वानप्रस्थ का किसको पता ही नहीं है। वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते हैं,
पानी से परे मूल वतन को कहेंगे। वहां सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रगुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते हैं आत्मा अंगुष्ठे मिशल है, अंगुष्ठे मिशल को ही याद करते हैं। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें, तो बाप समझाते हैं। तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कल्ट कहते हैं। ज्ञान कल्ट अलग है, ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन सुख को कहा जाता है, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता है। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। यह बुद्धि से समझने की बात है। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते हैं। अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। यह पैगाम सबको पहुंचाना है, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो वह फूल नहीं ठहरे। बागवान बगीचे में आएंगे तो उनको फूल ही सामने चाहिए। जो सर्विसेबल हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनको देह अभिमान है वह खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी। डांस भी अच्छा चलेगा, डांसिंग गर्ल का मिसाल स्कूल में भी टीचर भी जानते हैं ना, कौन नंबर वन कौन नंबर दो तीन में है। बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा, दिल पर भी वह चढ़ते हैं। डिस सर्विस करने वाले थोड़े ही दिल पर चढ़ते हैं। बाप पहली पहली मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, तब बाप की याद ठहरेगी। देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। लौकिक संबंधियों तरफ, धंधे धोरी तरफ बुद्धि चली जाएगी। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बात भी याद आएगा। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ, इसमें मेहनत है, एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है। कोई की याद ना आए, किसको पत्र भी नहीं लिख सकते। यह भट्टी तुम्हारी शुरू की थी, यहाँ तो सबको रख नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते हैं, अंदर कोठरी में बैठ माला सिमरते हैं। तो इस याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। एक बाप को ही याद करना है, इसमें कुछ जवान चलाने की भी बात नहीं है। इस याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर, यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहरा ना। बच्चों को एडाप्ट करते हैं, शिव बाबा एडाप्ट नहीं करते हैं। उनके तो बच्चे सदैव हैं ही। तुम कहेंगे शिव बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि हैं ही। ब्रह्मा ने तुमको एडाप्ट किया है, हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं बाबा याद नहीं रहती। बाबा कहते इसमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। बुद्धि में काम बहुत रहता है, फिर याद की यात्रा कैसे हो। बाप समझाते हैं मूल बात ही यह है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम पावन बन जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, यह मनमना भाव हुआ ना। इसमें मेहनत चाहिए, आशीर्वाद की बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, अमर भाव, आयुष्मान भाव, इसमें सब आ जाता है। तुम फुल एज आयु पाते हो, वहां कभी अकाल मृत्यु हो नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते हैं पुत्र मान भाव तो मनुष्य समझते, उनकी कृपा से बच्चा हुआ है। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेंगे। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, यह है आव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है, फिर है अज्ञान।
भक्ति को अज्ञान कहा जाता है। हर एक बात कितना अच्छी रीति समझाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि में सब कुछ संन्यास कर, बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है, एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा हैं, आत्मा हैं। दूसरा, सर्विसेबल फूल बनना है, देह अभिमानवश ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिससर्विस हो जाए। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है, थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। वरदान, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। फलक से कहते हो कि आग कपू से खट्टा रहते भी आग नहीं लग सकती। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव ना हो, ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। स्लोगन, पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है, धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। अच्छा, ओम शांति। आप दृष्टि